नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान की राजनीति में हमेशा ताने बाने चलते ही रहते हैं, एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर भी लगातार बना रहता है। राजनीतिक गलियारा राजस्थान का हमेशा विवादों से गुलजार रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर अशोक गहलोत और पायलट गुट के बीच अनबन की खबरें फिर से आई है। इन तमाम तरह की फेरबदल से निपटने के लिए आज शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के समर्थन के 13 विधायक और बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें आने वाले राजनीतिक तानों बानों पर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इस बैठक की खास बात यह है कि निर्दलीय विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं वो साथ बैठक नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ये अशोक गहलोत सरकार की रणनीति है, जिसके तहत अगर वो साथ बैठकर कोई रणनीति बनाते हैं तो पायलट गुट के विधायक उन पे अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हैं। आइए देखिए क्या ये पूरा मामला। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच चल रहे घमासान में दोनों तरफ में सियासी चालें चली जा रही हैं। गहलोत गुट की तरफ से 13 निर्दलियों और बसपा से कांग्रेस की तरफ आए 6 विधायकों को मिलाकर बनी G19 ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन रणनीति के साथ ये बैठक नहीं करेंगे। G19 की आज शाम 5 बजे होने वाली बैठक में बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक शामिल नहीं होंगे। आज की बैठक में 13 में से 12 निर्दलीय ही शामिल होंगे। G19 की बैठक में पहले बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के इस यूटर्न के पीछे गहलोत कम की रणनीति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बसपा से कांग्रेस में आए विधायक निर्दलियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाते तो पायलट कैम्प से अनुशासनहीनता का मुद्दा बनाता, इसलिए इन विधायकों ने G19 की बैठक में शामिल होने का फैसला बदल दिया। गहलोत समर्थक निर्दलियों की इस बैठक में सचिन पायलट कैंप को काउंटर करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज की बैठक को कांग्रेस में गहलोत पायलट कैंप के बीच चल रहे सियासी घमासान के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक पहले से पायलट कैंप के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक गहलोत कैंप एक सुरक्षित रणनीति के तहत सरकार को समर्थन दे रहा है। 13 निर्दलियों को आगे करके पायलट कैंप को निशाने पर लेने की रणनीति बनाई जा चुकी है। इसी रणनीति के तहत निर्दलियों की अलग बैठक हो रही है। पायलट के खिलाफ तल्ख बयानबाजी के कल निर्दलीय राकेश मीणा ने इसकी शुरुआत कर दी। आज की बैठक के बाद निर्दलीय विधायक साझा बयान भी जारी कर सकते हैं।